ओके स्टूडेंट्स, अब अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करते हैं। उस एक्सरसाइज में पढ़ेंगे माइनर्स और कोफैक्टर्स। इजी टॉपिक है ये भी। क्या होता है बेटा, मैंने आपको बताया था ये 3x3 का सैंपल डिटरमिनेंट मैंने आपके सामने, अच्छा ये डिटरमिनेंट है, अच्छा डिटरमिनेंट सैंपल डिटरमिनेंट आपके सामने है। आपको मैंने बताया ये इसको अपन बोलते हैं स्मॉल a1। इसको स्मॉल a1 का मतलब फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम एंड सो ऑन, लास्ट में थर्ड रो का थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स। हर एक एलिमेंट का एक माइनर होता है। माइनर कैसे निकाला जाता है मैं बता दूं आपको, और कोफैक्टर कैसे निकाला जाता है वो बता दूं। ये फार्मूलास दो मैंने लिख दिए हैं। अच्छा अभी फार्मूलास पे फोकस नहीं करते, केवल इस पे फोकस करिए। माइनर्स को कैपिटल एम से लिखते हैं और कोफैक्टर को कैपिटल ए से लिखते हैं, और एलिमेंट्स को स्मॉल ए से लिखते हैं। इसका माइनर अलग होगा, इसका ऐसे माइनर को अपन कैपिटल एम 1 लिखेंगे, इसका माइनर होगा अपना कैपिटल एम 1, इसका माइनर होगा कैपिटल एम 2, इसका माइनर होगा ए 3 का माइनर होगा कैपिटल एम 3 एंड सो ऑन। सिमिलरली कैपिटल कोफैक्टर भी होता है कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसका कोफैक्टर कैपिटल ए 3 2, इसका कोफैक्टर कैपिटल ए 2 2 एंड सो ऑन। अपन माइनस से निकालते हैं, पहले वो सीखते हैं माइनर एम 1 का कैसे निकालते हैं। इस एलिमेंट का माइनर कैसे निकाला जाता है बेटा, सिंपल है। आप इस जिस एलिमेंट का माइनर को निकाला है उस रो और उस कॉलम को छोड़ दीजिए, जो बचा उसका डिटरमिनेंट, मतलब ये a 2 2 बचा, a 2 3 बचा, इस रो और इस कॉलम छोड़ने में 4 एलिमेंट्स बचे। तो चारों एलिमेंट्स में एलिमेंट्स को मैं कॉपी कर रहा हूं, ये जो वैल्यू आई है आपका डिटरमिनेंट सॉल्व हो गया, वही आपका इसका माइनर है। ओके क्या वैल्यू है बेटा, a 2 2 a 3 3 माइनस a 3 2 इनटू a 2 3। ओके इसको सॉल्व करके जो मिलेगी वो आपका इसका माइनर है। नेक्स्ट किसी और एलिमेंट का माइनस को तो निकालना है, सपोज a 3 m 3 2 का, तो इसका माइनर कैसे निकलेगा बेटा, इस एलिमेंट का माइनर निकालना ना इस रो और इस कॉलम को छोड़ दीजिए, क्या बचेंगे 1 2 3 4, मतलब स्मॉल a 1 1, स्मॉल a 1 3, स्मॉल a 2 1, स्मॉल a 2 3, मतलब a 1 1 a 2 3, दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस a 2 1 a 1 3, ये आपका इसका माइनर आ गया। सिंपल है माइनर कैसे निकालते हैं, जिस एलिमेंट का माइनर निकाला है उस कॉलम और रो को हटा दीजिए, जो बचा उसको डिटरमिनेंट सॉल्व कर दीजिए, वो आपके पास माइनर आ जाएगा। अब कोफैक्टर, कोफैक्टर भी सिंपल है। आपको पहले यहां पे फार्मूला लिखना है, माइनस हो गया कोफैक्टर के लिए फार्मूला लिखना है। जिस एलिमेंट का आपको कोफैक्टर निकालना है उसके सब में जो दो नंबर लिखे हुए हैं, माइनस 1 की पावर उन दोनों नंबर का सम इनटू mij, मतलब हो सकता है इन दोनों सब में जो दो नंबर लिखे हैं उनका सब इवन है या ऑड है। अगर उन दोनों का सब इवन आता है तो माइनस 1 की पावर इवन नंबर प्लस 1 ही होगा, माइनस 1 की पावर इवन नंबर प्लस 1 ही होता है, माइनस 1 की पावर 4 माइनस 1 की पावर 6 इवन नंबर होता है। तो अगर इन दोनों नंबर का सम इवन आता है तो माइनर और कोफैक्टर बराबर होते हैं, और अगर इन दोनों का सम ऑड आता है, 3 आता है या 5 आता है या 7 आता है, तो इनका इनकी वैल्यू होगी माइनस 1। तो उस केस में ये वैल्यू हो जाएगी -1, तो जो कोफैक्टर होगा वो माइनर का नेगेटिव होगा। मतलब दो ही केस पॉसिबल है, या तो माइनर और कोफैक्टर इक्वली हो जाएंगे, या माइनर जो कोफैक्टर है वो माइनर का अपोजिट साइन होगा। इसका मतलब वैल्यू चेंज होगी, केवल साइन चेंज हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। जैसे क्वेश्चन देखते हैं अपन यहां पे a11, मतलब इसका माइनर इसका कोफैक्टर को निकालना, तो कोफैक्टर निकालने के लिए आपको पहले माइनर निकालना पड़ेगा, उसके बाद ये वाला फार्मूला यूज करते हैं। इस बार सब में जो दो वैल्यूज है वो है 1 1, तो अपन यहां फार्मूला अप्लाई करते हैं, ये माइनस 1 की पावर i, i की वैल्यू 1 है, j की वैल्यू 1 है इनटू m 1 1, i और j की वैल्यू दोनों की 1 1 है, 1 1 में अप्लाई करते हैं, क्या मिलेगा बेटा अपन को माइनस 1 की पावर 2 इनटू m 1 1, माइनस 1 की पावर इवन नंबर, सॉरी माइनस 1 की पावर इवन नंबर प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 1 इनटू m 1 1, मतलब आपके पास m 1 1 ही हो जाएगा। तो जो आपका a 1 1 है वो m 1 1 के ही बराबर है, तो यही इसी के बराबर आएगा, मतलब a 2 2 a 3 3 माइनस a 3 2 इनटू a 2 3। तो
तो ये आपके पास इसका कोफैक्टर आ गया। ओके, अब इसका कोफैक्टर निकालते हैं, कैसे निकालेंगे? a 3 2 is equals to, कैसे निकलेगा बेटा सेम फार्मूला? इस बार i की वैल्यू है 3 और j की वैल्यू है 2, तो क्या फार्मूला बनेगा बेटा? माइनस 1 की पावर 3 प्लस 2 इनटू m 3 2, क्या बनेगा बेटा? माइनस 1 की पावर 5, मतलब माइनस 1 की पावर ऑड नंबर हो गया 5 है ना बेटा, तो ऑड नंबर होने के कारण होगा माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय m 3 2, तो जो a 3 2 होगा वो m 3 2 का नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव मतलब साइन चेंज हो जाएगा बेटा, तो ये हो जाएगा माइनस का a 1 1 a 2 3 और ये प्लस का a 2 1 a 1 3, सिंपल। चलो एक क्वेश्चन और पढ़ते हैं, एग्जांपल 20, आपको एक 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट दे रखा है, आपको इसके सारे एलिमेंट्स का माइनर कोफैक्टर दोनों निकालना है, तो पहले इसके एलिमेंट्स कौन से होगा? ये फर्स्ट एलिमेंट मतलब फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, ये हुआ 1, ये वाला एलिमेंट है फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम माइनस 1, सिमिलरली ये है a 2 1 सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम, इसके लिए 4 है और लास्ट 2 2 इसके लिए है 3, इससे करस्पोंडिंग माइनर क्या होगा बेटा? m 1 1, इसका माइनर क्या होगा? मैंने आपको बताया 2 क्रॉस 2 होगा 3 क्रॉस 3 सेम है, 1 के लिए इस रो पर कॉलम को छोड़ दीजिए, क्या बचा? केवल 3, तो आपका इसका माइनर है 3। ओके, इसका माइनर क्या होगा बेटा? इस कॉलम और इस रो को छोड़ दीजिए, मतलब ये थोड़ा सिंपल हो गया, 4 x का माइनर 8 2 1, इसका माइनर क्या होगा बेटा? -2 और लास्ट इसका माइनर क्या होगा? ओनली ये चारों माइनस है, अब चारों कोफैक्टर्स, कोफैक्टर्स अपन निकालते हैं, फर्स्ट कोफैक्टर a 1 1, सब कोफैक्टर क्या होगा बेटा? इसका फार्मूला है माइनस 1 की पावर i प्लस j, i के लिए भी 1 है j के लिए भी 1 है, मतलब 1 प्लस 1 इनटू m i j, क्या होगा बेटा? ये माइनस 1 की पावर इवन नंबर प्लस 1 होगा ना, मतलब ये m 1 1 के ही बराबर होगा, मतलब ये जो वैल्यू है वो 3 के ही इक्वल होगी। नेक्स्ट इसका कोफैक्टर, मतलब इसका कोफैक्टर a 1 2 क्या होगा बेटा? माइनस 1 की पावर 1 प्लस 2 m 1, क्या होगा ये? माइनस 1 की पावर ऑड नंबर यानी माइनस 1 इनटू m 1 2 की वैल्यू क्या है बेटा? m 1 2 की वैल्यू है 4, इसकी इसका मतलब ये वैल्यू है माइनस 4। नेक्स्ट m 2 1 मतलब इसका माइनर, सॉरी इसका कोफैक्टर a 2 1 यानी माइनस 1 की पावर 2 प्लस 1 m 2 1 माइनस 1 की पावर 3 ऑड नंबर है, ऑड नंबर मतलब माइनस 1 की पावर ऑड नंबर यानी माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय m 2 1 कितना है बेटा आपके पास? माइनस 2, यानी कि ये वैल्यू हो गई प्लस 2। नेक्स्ट इसका कोफैक्टर कैपिटल a 2 2 क्या है बेटा? माइनस 1 की पावर 2 प्लस 2 m 2 2 माइनस 1 की पावर 2 प्लस 2 4 इवन नंबर यानी प्लस 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय m 2 की वैल्यू है, m 2 2 की वैल्यू है प्लस 1 यानी ये आ गया प्लस 1। अगर आप एक चीज ध्यान से देखें तो माइनस जो है वो क्या है बेटा? 3 4 माइनस 2 1, कोफैक्टर अगर आप देखें वो भी देखो सेम ही है, या तो वैल्यू सेम है या अपोजिट साइन है, जैसे यहां पर सेम है क्योंकि इन दोनों का सम इवन था, यहां पे अपोजिट साइन है क्यों? क्योंकि यहां पे सम जो है ऑड था, यहां पे भी अपोजिट साइन है क्यों? क्योंकि इनका सम ऑड था, यहां पे सेम साइन है क्यों? क्योंकि यहां पे सम इवन था, तो माइनस और कोफैक्टर्स है तो सेम होंगे या अपोजिट साइन होंगे, इसके अलावा चेंज वैल्यू नहीं हो सकता, इस चीज का ध्यान रखें। अपन कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, एग्जाम्पल 20 मैंने आपको करा दिया है, एग्जाम्पल 21 और 22 दोनों आपके लिए होमवर्क है, आपको खुद को ट्राई करना है, इजी है, मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करा रहा हूँ, एक क्वेश्चन ये आपको दिया है, अपन चलो सारे इस डिटरमिनेंट के सारी वैल्यूज लिख देते हैं, सारे एलिमेंट्स की वैल्यूज, सारे माइनस और सारे कोफैक्टर्स अपन निकाल लेते हैं। ये फर्स्ट एलिमेंट a 1 2 वैल्यू है 1, नेक्स्ट एलिमेंट a 1 2 वैल्यू है a 1 2 3 और ये है a 1 3 वैल्यू है, सिमिलर सारे निकाल देता हूं, ये है माइनस 1
इनके माइनस भी निकाल देता हूं मैं, इसका माइनस m11 क्या होगा बेटा, मैं सॉल्व नहीं कर रहा डायरेक्ट लिख रहा हूं, क्या होगा बेटा ये रो गई की कॉलम गई, दिस इज दिस माइनस दिस इज दिस, मतलब 4 माइनस 30 माइनस 26 होगा इसका, इसका माइनस क्या होगा बेटा ये रो की कॉलम होगी, दिस इज दिस माइनस दिस इज दिस माइनस 2 माइनस 50 माइनस 70 माइनस 2 प्लस माइनस 50 माइनस 70, इसका माइनस क्या होगा बेटा ये रो की कॉलम होगी माइनस 6 माइनस 6 माइनस 2, इसका माइनस क्या होगा m21 ये रो कॉलम का ये रो 6 माइनस 2 माइनस 6, इसका माइनस क्या होगा 2 माइनस 6 माइनस 4 m23 इसका माइनस क्या होगा कॉलम का ये रो 6 माइनस 9 माइनस 3, इसका माइनस क्या होगा 15 माइनस 4 11, इसका माइनस क्या होगा ये रो का कॉलम 5 प्लस 2 7, लास्ट नंबर का माइनस क्या होगा 2 प्लस 3 5, अपन ने सारे माइनस लिख दिए, चलो कोफैक्टर्स लिख देते हैं a11 ये सब में जो दो नंबर है हमारे पास 2 इवन नंबर है तो ये माइनस से माइनर कोफैक्टर सेम होंगे, यहाँ सम ऑड है तो साइन चेंज हो जाएगा प्लस 70, सम इवन नंबर है माइनर सेम साइन रहेगा, यहाँ सम ऑड नंबर है तो साइन चेंज होगा प्लस 6 हो जाएगा, सम इवन नंबर है तो सेम साइन रहेगा, सम ऑड नंबर है साइन चेंज होगा, यहाँ सम इवन नंबर है तो सेम साइन रहेगा, यहाँ सम ऑड नंबर है साइन चेंज होगा माइनस 7, और लास्ट सम इवन नंबर है तो साइन सेम। अब मैं आपको एक चीज समझाऊंगा, यहां से समझना, किसी भी डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालने के लिए आप किसी भी रो के एलिमेंट्स को उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए तो आपको डिटरमिनेंट वैल्यू मिल जाएगी, आप फर्स्ट रो ले सकते हैं, सेकंड रो ले सकते हैं, थर्ड रो ले सकते हैं, मैं समझाता हूं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर आप जैसे फर्स्ट रो के एलिमेंट्स लेते हैं, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स है a11 a12 और a13, इनके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स होंगे ये कैपिटल a11 कैपिटल a12 और इसका कोफैक्टर होगा कैपिटल a, इन तीनों को आप ऐड कर दीजिए तो आपको डेल मिलेगा, या आप सेकंड रो के साथ भी कर सकते हैं, सेकंड रो के एलिमेंट्स है a21 ये एलिमेंट है a22 नेक्स्ट एलिमेंट है a23 ओके, इसे कोफैक्टर्स होंगे कैपिटल a21 कैपिटल a22 कैपिटल ए, इन तीनों को भी अगर आप ऐड कर दो तो आपको डेल मिलेगा, सिमिलरली आप थर्ड रो के साथ ऐसा कर सकते हो, अच्छा आप ऐसा कॉलम के साथ भी कर सकते हैं, मतलब अगर आप जैसे फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम किसी भी एलिमेंट्स ले लीजिए, सपोज आप ले लेते हैं थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स, थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स हैं पहला एलिमेंट है a13 दूसरा एलिमेंट है a23 तीसरा एलिमेंट है a33, इनके कोफैक्टर्स हैं इसका a13 इसका a23 और इसका a33, तो इनको अगर आप सॉल्व करोगे तो भी आपको डायरी मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट जैसे करके देख लेते हैं, सपोज ये वाला एक्सपांड करके देखते हैं क्या मिलता है बेटा आपको, सेम वैल्यू मिलेगी तीनों से हमको ना, जैसे ये वाला एक्सपांड करके देखते हैं a1 की वैल्यू है 1 इसकी 3 और ये 2, इसे कोफैक्टर्स करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स ये है -26 कैपिटल a1 की वैल्यू -26 कैपिटल a1 की वैल्यू 17 और कैपिटल a13 की वैल्यू ये -2, इसको सॉल्व करोगे आप लोग तो मिलेगा 51 -24 -26 यानी कि +1, इसके लिए मिलेगा आपको +1, ठीक है। तो डिटरमिनेंट वैल्यू क्या आई +1, किसकी भी अलाउ कर सकते हो, जैसे आपने सेकंड रो के अलाउ की तो क्या मिलेगा बेटा देखना ध्यान से क्या है, सेकंड रो के एलिमेंट -1 +2 एंड +5 और सुपरफोकस क्या है बेटा 6
माइनस फोर एंड थ्री, 15 माइनस 8 माइनस 6 तो भी आएगा प्लस 1, सेम है गई। नेक्स्ट अगर आप थर्ड कॉलम देख क्रॉस करो तो भी आपको क्या मिलेगा बेटा, 2 5 और 8 2, और इसके कोफैक्टर्स क्या होंगे, इस 2 का कोफैक्टर क्या है, माइनस 12, 5 का कोफैक्टर क्या है, माइनस 4, देखना 2 का कोफैक्टर है माइनस 12, 5 का कोफैक्टर है मतलब डिटरमिनेंट की वैल्यू आप किसी भी रो या कॉलम के अक्रॉस बता सकते हैं। पहले अपन ने ऐसा कुछ किया था उससे इंस्पायर्ड ये चीज है, किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट्स को उसे करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आपको वैल्यू मिलेगी वो आपके डिटरमिनेंट की वैल्यू के बराबर ही होगी। ओके, एक चीज तो ये, नेक्स्ट चीज आप किसी भी रो के एलिमेंट्स को, जैसे ये फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को अगर किसी दूसरी रो के एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे आपके फर्स्ट रो के एलिमेंट्स हैं A 11, A 12, A 13, अगर आप इस फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को किसी और रो के एलिमेंट्स, किसी और रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सपोज इसके कोफैक्टर्स, इसका कोफैक्टर होगा, ये एलिमेंट है स्मॉल a 21, इसका कोफैक्टर होगा कैपिटल a 21, नेक्स्ट ये होगा कैपिटल a 22, और ये होगा इसका कोफैक्टर होगा कैपिटल a 23। अगर आप किसी एक रो के एलिमेंट्स को दूसरी रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो श्योरली आपकी इस वैल्यू जीरो आ रही है, ये जरूरी है। आप किसी भी रो के एलिमेंट्स को दूसरे कोफैक्टर, दूसरी रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हो तो जीरो आ रहा है। सिमिलरली कॉलम में भी ऐसा होता है, आप इसे ये सेकंड कॉलम ले लें, सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स कौन कौन है बेटा, ए 12, ए 22, ए 23, इस कॉलम के एलिमेंट्स को इसके कोफैक्टर से, कोफैक्टर क्या होंगे बेटा, इसका कोफैक्टर होगा a 11, इसका कोफैक्टर होगा a 21 और इसका कोफैक्टर होगा a 31। अगर ऐसा करते हो तो भी आपकी वैल्यू श्योरली जीरो आएगी, इसको आप वेरीफाई खुद करके देख सकते हैं, सिंपल। इन पे बेस्ड भी आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन है और एग्जाम में क्वेश्चंस भी पूछा जाता है, तो आप इसके क्वेश्चंस भी करेंगे। एक्सरसाइज 4.2 आपका होम 4.4 होमवर्क है, डाउट्स मुझे आप लोग पूछेंगे।